सभी का स्वागत है। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य पुत्र वैवस्वर मनु द्वारा बनाया गया है, इसलिए अयोध्या नगरी सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट नहीं हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे कि अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास आज हम आपको बताएंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के बारे में 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालर मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853-1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट डीएम कैके नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजेशन ऑफ मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया।
2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दे दिया गया। 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।